घर में भगवान शंकर की जो भी मूर्ति हो, चाहे शिव की हो, चाहे किसी भी देवी देवता की मूर्ति हो, पर एक अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितनी? जम के बोलिए। जैसे ये जमीन से बस इस अंगूठे को खड़ा कर लो, इससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी। अगर इससे बड़ी मूर्ति हमारे घर में होती है तो उसको सेवा की जरूरत मंदिर जैसी पड़ती है। कैसी सेवा चाहिए फिर? मंदिर। अगर इससे छोटी मूर्ति है तो आप उसको शक्कर का भोग लगा दो, खड़ी शक्कर रख दो, मिश्री रख दो, गुड़ रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े कैसे भी कपड़े पहना दो। अगर छोटी मूर्ति है तो भगवान को कैसे भी आप घर में रख सकते हो, पर इससे जहां मूर्ति बड़ी हो गई तो उसको बड़ी सेवा की जरूरत पड़ती है। और हमेशा याद रखो, शिवलिंग घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग होता है वो कभी पोला नहीं होना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म की शास्त्र रीति कहती है कि घर में कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए, किसी भी मूर्ति को पोला नहीं होना। लक्ष्मी जी हो तो ठोस हो, गणेश जी हो तो ठोस हो, देवी देवता लड्डू गोपाल कृष्ण राम सीता कुछ भी तुम्हारे घर में हो तो वो पोले नहीं होना, अंदर से खाली नहीं होना चाहिए। जो मूर्ति घर में पोली होती है उसके घर में एक रुपए कमाओ सवा रुपए खर्च वाला काम चलता रहता है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं जोड़ता, घर पोला की पोला ही रहे। कितना भी तुम कमा कमा कर लाओगे तो भी घर में दिखेगा। और किसी किसी के घर में अगर मूर्तियां अगर ठोस है, मूर्ति अंदर से अगर भरी हुई है तो अगर दो रुपए भी कमाएगा तो घर में बचत दिखेगी, और अगर घर में मूर्ति पोली है तो कितना भी कमाएगा तो खाली की खाली ही दिखेगी। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर में बरकत नहीं दिखती है, मेरा पति कमाता, बेटा कमाता, बड़ा बेटा कमाता, खूब कमाता, पर घर में पैसा नहीं दिखता, घर में पैसा नहीं दिखता, तो टिके कहां से? जरूर तेरी तिजोरी में, जरूर तेरी पूजन में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति या गणेश जी की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पोली होगी, इसलिए घर में लक्ष्मी टिक नहीं रहेगी। घर में पैसा बना मूर्ति कैसी मूर्ति होना चाहिए? जम के बोलिए, ठोस, पोली नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पोली मूर्ति का क्या करें? तो कुछ मत करो, मेन लाओ बाजार से, राल लाओ या मेन लाओ, कुछ भी मेन लाकर, मोम लाकर, वो मोम नहीं होता, उस मोम को पिघलाकर उस मूर्ति के अंदर भर दो। पर मूर्ति ये नहीं कि अपने को पोली है तो घर से बाहर निकाले, उसको ठोस करो, उसको ठोस। अगर मूर्ति पोली रहती है तो दो क्रम होते हैं, एक तो लक्ष्मी नहीं टिकती, दूसरी घर में कोई ना कोई व्यक्ति एक ना एक बीमार पड़ा ही रहता है। एक ठीक होगा दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार पड़ेगा, मतलब डॉक्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हफ्ते में महीने भर में पैसा जाना है, जाएगा, रुकेगा नहीं। महाराज बोला